Good morning, students. Today we will continue our chapter number 3, that is fiber to fabric. So, jo mera previous lecture tha, in my previous lecture I explained about the silk production process. So, maine uska aapko bataya tha ki jo silk moth hota hai, yani ki jo silk ka insect hota hai, usse silk jo hai wo kaise obtain kiya ja sakta hai. So, us pure life cycle ke bare mein bataya tha, jisme silk moth jo hota hai wo produce karta hai silk. And now today's topic is about the silk production. तो अब जो है हम उस सिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें जो है उस सिल्क मॉथ से जो सिल्क का थ्रेड है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. सो द कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर. अब ये कोकून्स क्या थे, मैंने आपको बताया था कि जो भी इंसेक्ट होता है यानी कि जो सिल्क मॉथ होता है वो मल्बरी लीव्स यानी शहतूत की जो पत्तियां होती है उनके ऊपर फीड करता है और उसके बाद में क्या करता है अपना खाना बंद कर देता है. कुछ दिनों बाद में 10-15 डेज जाते तब वो बंद कर देता है और उसके बाद में वो क्या करेगा अपने चारों तरफ जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाकर उससे इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज कोकून. इसके अंदर जो होगा वो इंसेक्ट जो होता है वो इस तरीके से रहता है और अपने चारों तरफ क्या करेगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा थ्रेड का. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर जो ये अपना इंसेक्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं प्यूपा. जब वो मदर लीव्स पे फीड करता है यानी अपना खाना खाता है तब हम उसे क्या कहते हैं कैटरपिलर या फिर उसे क्या कहते हैं लार्वा. और लार्वा जो है वो बड़ा हो जाता है कोकून बना देता है तब हम उसे क्या कहते हैं प्यूपा. यानी कोकून के अंदर का जो इंसेक्ट है जो जानवर है उसे हम क्या कहेंगे प्यूपा. इन कोकून को क्या किया जाता है हॉट वाटर में बॉइल किया जाता है. तो ये अलग पेड़ के ऊपर जो है वो अपना फीड करेगा उससे ये अपने अलग अलग जो है
फॉर्म करते हैं। इसी के बेसिस पर जो है इनकी अलग अलग वैरायटी होती है, चार टाइप के सिल्क के कपड़े होते हैं। एंड नाउ देयर इज हेल्थ हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री, कि सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, जैसे सिल्क जहाँ पे बनता है वो फैक्ट्री होगी, तो उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कर्स नीड टू डिप देयर हैंड्स फ्रीक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर टू एक्सट्रैक्ट दी फाइबर। तो जो वर्कर्स होते हैं उसको अपने हाथ जो है वो बॉइल्ड वाटर में डालने होते हैं। क्यों डालने होते हैं? क्योंकि उसको क्या करना है, उसको किसमें डालना है, हॉट वाटर में। और उसके बाद में उन्हें क्या करना है, रीलिंग प्रोसेस के थ्रू फिलामेंट्स को निकालना है। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, हाथ जो है वो गर्म पानी में लगातार डालने पड़ते हैं, ताकि वो देख सके कि जो कोकून है उससे थ्रेड निकलना शुरू हो गया क्या, फिलामेंट मिल रहा है क्या। तो उसके लिए उनको बॉइलिंग वाटर में हाथ टैप करके रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, सो दिस कॉज बर्निंग ऑफ स्किन, उसकी वजह से स्किन जल जाती है हॉट वाटर के कॉन्टेक्ट से, एंड ब्लिस्टर यानी कि छाले हो जाते हैं हाथों पर। ओके, सेकंड इज मतलब कि इसके अंदर स्किन डिजीज हो जाता है। सेकंड इज वर्कर्स नीड टू फोकस ऑन रीलिंग फाइन सिल्क। अब आता है रीलिंग प्रोसेस। रीलिंग प्रोसेस में क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिसमें जो फिलामेंट हमने निकाले हैं कोकून से वो क्या होते हैं कपड़े के अंदर जो है उसका प्रोसेस बनता है। तो ये जो रीलिंग प्रोसेस होता है इसमें मशीन के अंदर होता है, और मशीन के लिए काम करने के लिए उसमें 12 से 15 आवर्स नहीं होते, 12 से 15 घंटे जो होता है वो वर्कर खड़ा रहता है। और उस खड़े रहने की वजह से उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, विच लीड्स टू बैक पेन। ज्यादा टाइम तक आप खड़े रहते हो 12 से 15 घंटे, तो आपका जो बैक है वो पेन करने लगता है, पेन जो है वो बिल्डअप होता है, और साथ में आई प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फाइन सिल्क होता है, बहुत ही पतला फाइबर होता है, पतला सा थ्रेड होता है, तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि वो फाइन बन रहा है या नहीं। तो इसलिए वो प्रॉब्लम किसकी आती है, लगातार काम करने की वजह से आईज की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 12 से 15 घंटे रिलैक्स नहीं मिलता है बॉडी को, तो बॉडी क्या करने लगती है, आईज और ये सब होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। थर्ड वन इज बॉइलिंग ऑफ कोकून इन बिग वाटर टैंक्स रिलीजेस लॉट ऑफ फ्यूम्स एंड वेपर्स। अब जब आपको इतने सारे कोकून्स हैं वो सब इनके अंदर डालने होता है बड़े से टैंक के अंदर, तो जब वो पानी बॉइल होना होता है, जैसे आप अभी घरों में चाय वगैरह बनाते हो तब भी आप क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा देर तक उसके पास में खड़े रहते हो तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो ये तो इतने बड़े बड़े टैंक होते हैं, तो इतने बड़े टैंक के अंदर जब पानी बॉइल होता है तो बहुत सारे फ्यूम्स और वेपर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे वो आपकी स्किन के अंदर जलन होने लगती है। सो दिस कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और इसकी वजह से क्या होता है, बार बार अगर वो गैसेस और वो वेपर्स अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स इफेक्ट होते हैं। फोर्थ वन इज मशीन यूज फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज कॉजेस हियरिंग प्रॉब्लम। यानी जो मशीनें होती है जिसमें सिल्क फाइबर बनता है, उसके बाद सिल्क का कपड़ा बनता है, तो वो जो सिल्क का कपड़ा बनेगा वो ऐसी मशीनें होती है कि वो बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा शोर करती है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूसली काम वर्क करने की वजह से वर्कर्स को जो है कानों में मतलब सुनने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आ जाती है, उनको सुनने का जो हियरिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, एंड विद द एंड ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक के एंड होने के साथ में आपका चैप्टर भी यहीं पे एंड हो गया है। सो इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर, बट बिफोर दैट इससे पहले आपको क्या करना है, ये जो कोई भी काम मैंने करवाया है वो आपको करना है, साथ में इससे पहले मैंने आपको कहा था सिल्क प्रोडक्शन हेडिंग से पहले आपको जो लाइफ साइकिल है सिल्क फॉर्म का उसका ड्रॉइंग आपको बनाना है। थैंक यू।